प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें कि EMRES यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का नोटिफिकेशन जून महीने में जारी किया गया था, लेकिन पुनः से रीओपन किया गया है। 19-10 तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और उसके बाद फिर से शामिल हो सकते हैं। जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे वो अगर इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग EMRES की। आपको बता दें कि EMRES का जो विद्यालय होता है रेजिडेंशियल स्कूल होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। इसमें आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। आपको बता दें बायोलॉजी के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि बायोलॉजी का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि हम NCERT और SCERT के माध्यम से करने वाले हैं। इसके साइड बुक को ध्यान में रख करके और इंटर स्तर का सिलेबस है, लेकिन हम लोग इसे PG लेवल तक का करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम इसमें आपके लिए एग्जाम पॉइंट NCERT पॉइंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में आज आपको बताने चल रहे हैं। इसकी क्लासेस आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होगी, वह भी हिंदी में। जो मित्र हिंदी के माध्यम से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट थे कि हिंदी में कराइए, तो हिंदी में जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। मान चलिए कि आज ही से हो सकती क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या हम लोग देखेंगे। सिलेबस मैथ का है, उसका है, फिजिक्स का है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। मैं सिलेबस आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। आपको एक बात और मैं बता दूँ कि एग्जाम पॉइंट्स चैनल के द्वारा आपको दिए जाएंगे और वह एग्जाम पॉइंट्स आपके बहुत महत्वपूर्ण है। NCERT पॉइंट्स और एग्जाम पॉइंट्स आप जरूर उसको पढ़िएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, जो आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले याद नहीं, आप देखते हैं बायोलॉजी का क्लासेस में जो है सिलेबस, और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि चैनल के द्वारा आपको जो भी क्लासेस दी जाएंगी उसके लिए कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम पॉइंट की और उसके और प्रैक्टिस पेपर के, उसके लिए हमने बहुत मिनिमम कास्ट रखा है, जो आपके लिए जरूरी है। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए आप बहुत कम पैसा दे करके भी इसका लाभ ले सकते हैं, ओनली 99 रुपीज़। हालांकि पहले 199 हमने रखा था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। दिसंबर में संभावित है इसकी परीक्षा की, दिसंबर में इसकी परीक्षा पुनः कराई जाए, मतलब कराई जाएगी, पुनः वाली कोई बात ही नहीं है, कराई जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। अगर स्टार्ट भी होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आपकी यह क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग इसके साइलेंट फीचर को पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, और कल की डेट में मोनरा प्रोटिस्टा को पढ़ने वाले हैं। एक को पढ़ेंगे कल मोनरा को, फिर प्रोटिस्टा को, फिर फंजाई को अलग से पढ़ेंगे, और उसके बाद लाइकेन वायरस वायराइड को एक ही दिन में निपटाने वाले हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं प्लांटिक किंगडम को अलग किया गया, तो इसलिए पूरा प्लांटिक किंगडम को अलग से पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम को अलग किया गया तो अलग से पढ़ेंगे, यानी इन तीनों को 3 वीडियो में हम कवर करने वाले। आपका ऊपर का हिस्सा छूट रहा है, इसलिए छूट रहा है, देखिए यहाँ पे टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी के बारे में आप सब जानते हैं, 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन हम 5 सिस्टम वाले में ही बता देंगे आपको, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन हम जनरल चर्चा के माध्यम से बता देंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या है जनरल चर्चा में ही आज बता देंगे, बायनामियल नामनक्लेचर भी आज हम जनरल चर्चा के माध्यम से बता देंगे। देखिए इसके नोट्स और इसकी चीजें नहीं है, लेकिन जनरल डिस्कशन इन सभी टॉपिकों पे कर लेंगे। तो एक्चुअली में ये टॉपिक तो नहीं शुरू होगी, लेकिन आपकी टॉपिक यहाँ से शुरू होगी जो कंटिन्यूअस आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो हर टॉपिक में इंक्लूडेड है। जितनी बार हम आपके साथ चाहे प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, वहां पर हम बताएंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या था, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, बायनामियल नामनक्लेचर क्या है, बुक कौन सी थी, तो ये बार बार जनरल चर्चा का विषय है। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, ये बार बार जनरल चर्चा का विषय है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ करके हम लोग इस टॉपिक के ऊपर से अपने वीडियोज को स्टार्ट करने चल रहे हैं। अब नजर डालते हैं प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना है, तो ये दोनों हो गए। प्लांट किंगडम में क्या पढ़ना, देखिए प्लांट किंगडम पढ़ना मेजर ग्रुप में साइलेंट फीचर पढ़ना है, डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द एल्गी के एग्जांपल्स को पढ़ना है, और साथ ही साथ एग्जांपल के साथ साथ तो उसके उपनाम को भी पढ़ना है, जो उसका सब नेम होता है।
क्योंकि आपके एग्जाम में सब नेम से प्रश्न पूछे गए हैं और उसी सब नेम को हमें पुनः से पढ़ना है, और हमने एग्जाम पॉइंट्स में एनसीईआरटी पॉइंट्स में इन चीजों को ऐड करके आपके लिए बनाया। वहीं पे फिर आगे बढ़ जाते हैं तो ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। देखिए जो टॉपिक निकाल दी गई, एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दी गई है, उसमें प्लांट एंजियोस्पर्मी निकाल दिया गया है, यानी एंजियोस्पर्मी का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। प्लांट लाइफ साइकिल निकाल दी गई है, नहीं पढ़ना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पढ़ना है, यानी ये तीन टॉपिक आपके कोर्स से कट चुकी हैं। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अगर हम जनरल हमें बात करें तो हमें माइनर बॉटनी पढ़ना है। आगे बढ़ जाएं, एनिमल किंगडम में अगर हम फोकस करते हैं तो एनिमल किंगडम क्या पढ़ना है, साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल का जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नॉन कार्डेट को फाइलम लेवल तक ही पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, जबकि कार्डेट को आपको क्लास लेवल तक पढ़ना है, और इसके साइलेंट फीचर के साथ साथ एग्जाम्पल को भी आपको जानना है। मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 होता है, वह भी आपको पढ़ना है। अब फ्लावरिंग प्लांट वहां पे एंजियोस्पर्म निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म पढ़ना है, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन आपको नहीं पढ़ना है, और एंजियोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आपको पढ़ना है, यानी मार्फोलॉजी भी पढ़नी है, देखिए आगे एनाटॉमी भी दिया गया है, दोनों पढ़ना है। मार्फोलॉजी की बात करें तो इसमें डिफरेंट पार्ट जैसे कि फ्लावर है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, और इन्फ्लोरिसेंस है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड हैं, डिस्क्रिप्शन, और सोलनी जो इस समय एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में है, सोलेनेसी, उसी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, यानी एक ही फैमिली पढ़ना है। जहाँ पे फैमिली की संख्या बहुत ज़्यादा है, बात करें अगर यूपी की, तो यूपी और बिहार में जहाँ फैमिली खूब ज़्यादा घूम घूम दबा दबा के पूछा जाता है, वहीं पे यहाँ पे आपको फैमिली में सिर्फ और सिर्फ सोलनेसी पढ़ना है, जिसे हम लोग पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसमें पोटैटो आता है, टोमेटो आता है, ब्रिंजल आते हैं, और क्या आता, मकोई आता है, तो इनको भी पढ़ते हैं। एनाटॉमिकल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम, यानी आपको मेरिस्टमेटिक टिश्यू सिस्टम और परमानेंट टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। डाइकॉट और मोनोकॉट पढ़ना है, यानी डाइकॉटिलेडनस प्लांट और मोनोकॉटिलेडनस प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पढ़ना है आपको, तो ये आपके महत्वपूर्ण। आगे बढ़िए, कह रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, अगला चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, मार्फोलॉजी एनिमल की पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम पढ़ना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी का, रिस्पायरेटरी का, नर्वस सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन किसके एस्पेक्ट में पढ़ना है, तो फ्रॉग के एस्पेक्ट में पढ़ना है, यानी मेंढक का रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ फ्रॉग का पढ़ना है। इसके पहले आपके कोर्स में जो है अर्थवॉर्म भी था और कॉकरोच भी था, ये दोनों कोर्स से निकाले गए हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, तो आपको फ्रॉग के बारे में ही पढ़ना है। माफ करिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, बस आपका सही हो जाएगा। हाँ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, तो आपको फ्रॉग के बारे में ही पढ़ना है, एक बड़ी जानकारी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहा सेल, अगला चैप्टर है सेल, सेल थ्योरी पढ़ना है एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है, प्लांट सेल, एनिमल पर सेल पढ़ना है, एनवेलप पढ़ना है, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बायक्यूल्स, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रो बॉडी, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है, जो कि सेल के पार्ट्स होते हैं, यानी साइटोलॉजी पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। वहीं पर अगर बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स का मेजर हिस्सा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जैसे कि आपको केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है ऑफ लिविंग सेल का, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम एक्शन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, सेल साइकिल आपको पढ़ना है, माइटासिस, मियासिस और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी आपको जानना है। आगे बढ़ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट अगर हम बात करें तो यहाँ कह रहा है फोटोसिंथेसिस एज ए मींस ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, उसके बाद फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेसिस फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन,
उसके बाद कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस, फोटोरिस्पायरेशन, C3C4 पाथवे एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इतनी टॉपिक आपको फोटोसिंथेसिस से पढ़ना है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट की, तो ये भी टॉपिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं, एक है TCA की साइकिल और दूसरी है ग्लाइकोलाइसिस। ये दोनों साइकिल जो हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिलाती हैं, जहाँ पे एक्सचेंज आप गैसेस आप पढ़ेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, TCA साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, एनर्जी रिलेशनशिप, और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर जनरेटेड एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ेंगे, और वहीं पर रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, जहाँ से खूब प्रश्न आते हैं। रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट का हमने आपके लिए बूस्टर डोज तैयार किया है, और जिसमें हमने लगभग 10 ऐसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तत्वों को रखा है, जिनके माध्यम से आप जो हैं आने वाले सभी प्रश्न हो जाएंगे। अभी तक विगत वर्षों में उससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आप जरूर पूछे जाते हैं, और इसका बूस्टर डोज भी हम आपको देंगे, जो कि 99 रुपीज़ में ही शामिल है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सीड जर्मिनेशन पढ़ना है, फेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट पढ़ना है, कंडीशन फॉर द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन प्लांट सेल ग्रोथ, रेगुलेटरी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड ABA के माध्यम से पढ़ना है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिसऑर्डर रिलेटेड टू रिस्पायरेशन, अस्थमा, एम्फिजमा, और उसके बाद ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज के बारे में पढ़ना है। वहीं पे फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के क्रम बात करें, तो ब्लड पढ़ना है, ब्लड का ग्रुप पढ़ना है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कैसे ब्लड जमता है इसके बारे में पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स पढ़ना है, कार्डियक साइकिल पढ़ना है, कार्डियक आउटपुट ECG पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट फेलोर, इस कुछ डिजीज के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, मोड्स ऑफ द एक्सक्रीशन एंड अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, रेनिन, एंजियोटेंसन, टेंसिन, एट्रियल, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर्स, ADH, डायबिटिक इंसिपिडस, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशन, रोल ऑफ द अदर ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर यूरिनिया, ठीक, उसके बाद रेनल फेलोर, रेनल कैलकुली, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी, किडनी ट्रांसप्लांट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लेजुलर मूवमेंट, उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट, स्केल्टन मूवमेंट, मसल्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मस्कुलर कंट्रैक्शन, स्केल्टन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केल्टन सिस्टम, मेस्थीनिया ग्रिप, टिटनी, मस्कुलर डिस्ट्रोपी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, इन सभी डिजीज के बारे में पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन एंड नर्व्स, न्यूरॉन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, विसरल नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडनल, पैंक्रियाज, गोनाड्स, ह्यूमन ऑफ द हार्ट किडनी एंड हार्मोन्स ऑफ द हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शंस,
रोल ऑफ द हार्मोन एंड द मैसेंजर ऑफ द रेगुलेशन हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटीज ऑफ रिलेटेड डिसऑर्डर डॉर्फिज्म एग्रोमेगैलिया क्रेटिनिज्म ग्वाइटर्स एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर्स डायबिटीज एंड एडिसन्स डिजीज के बारे में भी आपको चर्चा करना है। इतना सिलेबस अभी जो हम पढ़ रहे थे, इतना टोटल सिलेबस आपका क्लास इलेवंथ के सिलेबस में आपके दिए गए हैं। क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी ही काफ़ी नहीं, हालांकि पूरा पेपर एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट होगा, यानी एनसीईआरटी आपको ओरल लर्न होनी चाहिए ये मान के चलिए, लेकिन डेप्थ जानने की ज़रूरत है और डेप्थ जानने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, हिंदी माध्यम में ही मिलेंगी। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ये क्लास ट्वेल्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहा है फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ना, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ना है, पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एजेंसी, एग्जांपल, आउटब्रीडिंग डिवाइस, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, डुअल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, स्पेशल मोड एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियाने, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमिटोजेंसिस, स्पर्मेटोजेंसिस एंड ओजेंसिस, मेस्टुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुएशन, लैक्टेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमनोसेंटोसिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, IVF, जिफ्ट और गिफ्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी ऑफ वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डिविएशन फ्रॉम द मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, प्लियोट्रॉफी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम एंड जीन्स, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड हनी बी, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। वहीं पे अगर चर्चा करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, उसके बाद सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे आपको कई एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं और यहाँ पे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे, और भी बैक्टीरियोफेज का है, डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रल डॉग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ओपेरॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बाद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन पढ़ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, प्लेंटोलॉजी, कंपरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस, एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विथ एग्जाम्पल, टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजन, पैरासाइट काजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, हाँ ठीक है, रिंगवॉर्म एंड देयर कंट्रोल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, कैंसर्स, HIV, एड्स, एडोलसेंस, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एक टॉपिक आपकी छूट रही है, आप देखिए नहीं दिया है, एक टॉपिक और है, एक चैप्टर यहाँ पे हालांकि निकाल दिया होगा, वह चैप्टर आपका है कि माइक्रो ऑर्गम इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसका मतलब इस कोर्स से निकाला गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द बायोटेक्नोलॉजी इन द हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गम GMO जिसे कहते हैं आप, BT काटन, BT क्रॉप, उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशू, उसके बाद बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स।
आर्गनिंग एंड पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, मुचुलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। इकोसिस्टम बात करते हैं, इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी ऑफ एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यही टॉपिक मैं बता रहा था कि लास्ट में फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे और यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसीलिए पहली वाली टॉपिक को हम छोड़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, लेबल, पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, इंस्टिंक्ट, रेड डाटा बुक्स, स्केयर्ड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट्स। तो इतना बड़ा आपका सिलेबस है जो आपके लिए पढ़ना है और आपके पास सब मिला करके जो दिन है वह 60 दिन है, यानी अच्छी खासी परिश्रम की ज़रूरत है जिसमें आपको 70 नंबर मिलने हैं। तो परिश्रम से हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसका लाभ अवश्य मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।